हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था? हमने पढ़ लिया था कैरेक्टर एरेज क्या होती है। हम C++ या फिर C में एक कैरेक्टर एरे की मदद से हम कैरेक्टर लिटरल्स को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने जब पिछली क्लास में देखा था तो वहां पे हमने हेलो स्टोर करवाया था एक कैरेक्टर एरे की मदद से। अब इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? इस क्लास में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स को। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार, स्ट्रिंग्स होते क्या है एक्चुअल में? स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग ना सिर्फ C++ में ही प्रोवाइडेड है हमारे पास। स्ट्रिंग्स हमारे पास एक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ C++ में ही प्रोवाइड करा गया है, C में प्रोवाइडेड नहीं है। हमें कोई भी एक लिटरल स्टोर करवाना होता था, लेट्स सपोज हेलो, तो वो हम एक कैरेक्टर एरे में ही स्टोर करवा सकते थे C में। लेकिन C++ में हमारे पास एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन है स्ट्रिंग्स का। तो हम स्ट्रिंग्स को सबसे पहले तो डिक्लेयर किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं। तो एक स्ट्रिंग, लेट्स सपोज हमें हेलो नाम की लिखनी है, तो एक स्ट्रिंग का कीवर्ड लिखा, मतलब डेटा टाइप डिक्लेयर करा स्ट्रिंग टाइप का। उस वेरिएबल का नाम लेट्स सपोज str नाम दे दिया और उसमें हेलो शॉर्ट करने के लिए डबल कोट्स में हेलो लिख दिया। और अब आपको नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इम्प्लिसिटली नल कैरेक्टर से टर्मिनेट हो जाएगा। हमें बस एक हेलो नाम की स्ट्रिंग अगर बनानी होती है, अगर एक कैरेक्टर लिटरल बनाना होता है, तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करेंगे, उसका नाम रखेंगे वेरिएबल का और डबल कोट्स के अंदर उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को डाल देंगे। तो एक बार करके भी देख लेते हैं इसको। क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग बना रहे हैं, उसमें हेलो डाल रहे हैं। नल टर्मिनेशन हमारी हो जाएगी, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर मैं str को प्रिंट करूं तो हेलो प्रिंट होने वाला है। हेलो प्रिंट हो गया। तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज कैसे करेंगे। लेट सपोज हमें एक स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे सीन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं वैसे कर लो, सीन ऑब्जेक्ट और सीन एसटीआर। अब लेट सपोज इनपुट करवाने के बाद मैं प्रिंट भी करता हूँ, मैं इनपुट करवा लेता हूँ हेलो को। तो जब हेलो को इनपुट करवाऊंगा तो प्रिंट क्या होने वाला है? हेलो। लेट सपोज अब मेरे को अपना नाम इनपुट करवाना होता, यानी पहले मैं सिर्फ अपना पहला नाम फर्स्ट नेम अर्चित इनपुट करवाता हूँ एंड इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो अर्चित प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेट सपोज मेरे को पूरा नाम प्रिंट करवाना है, अर्चित स्पेस अग्रवाल प्रिंट करवाना है मुझे और स्ट्रिंग में स्टोर करवाना है। तो क्या सीन ऑब्जेक्ट लिख के, सीन एसटीआर लिख के ये चीज हो सकता है? देख लेते हैं, क्या अर्चित अग्रवाल प्रिंट होगा? नहीं, इस केस में भी सिर्फ अर्चित प्रिंट हुआ। एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत स्ट्रिंग में नहीं है, दिक्कत है इनपुट लेने में। हमने जब सीन ऑब्जेक्ट के मदद से इनपुट लिया तो वो इनपुट कब तक लेता है सीन ऑब्जेक्ट? जब तक उसे स्पेस ना मिल जाए या नल करेक्टर या फिर एंड लाइन ना मिल जाए। बेसिकली जब तक उसे एंड लाइन स्लैश एन या फिर एक स्पेस ना मिल जाए तब तक वो इनपुट लेता है। तो हमने क्या देखा, उस एसटीआर में सीन ऑब्जेक्ट ने अर्चित डलवा दिया और स्पेस देखकर उसने उस स्ट्रिंग में इनपुट लेना खत्म कर दिया। अब अगर लेट सपोज मैं कोई और स्ट्रिंग ले लेता str2 और उसको मैं सीन करवाता str2 में, इस str2 को मैं प्रिंट करवाता, str2 में आ जाता अगली बार। देख लेते हैं, तो पहली लाइन में आ गया अर्चित, दूसरी लाइन में आ गया अगली बार। मैंने प्रिंट जो करवाए हैं अलग अलग लाइन में करवाया तो दूसरे स्ट्रिंग में आ गया। तो लेट सपोज अब मेरे को क्या कोई मेथड नहीं है जिसमें एक ही स्ट्रिंग में अगर मेरे को स्पेसेस भी डालने हो, मतलब एक स्ट्रिंग डालनी हो जिसमें स्पेसेस भी हो, एक स्ट्रिंग हो अर्चित स्पेस अग्रवाल, ऐसी एक स्ट्रिंग मेरे को डालनी हो एक वेरिएबल में, तो उसको इनपुट कैसे लूं मैं? तो उसको इनपुट लेने का तरीका है गेट लाइन नाम का मेथड। तो गेट लाइन क्या करेगा? गेट लाइन में हम दो पैरामीटर पास करेंगे। इस बार हम गेट लाइन में एक तो सीन ऑब्जेक्ट पास करेंगे और दूसरा जिस स्ट्रिंग में इनपुट लेना है उस स्ट्रिंग को पास कर दो। इससे क्या होगा, अब वो स्पेसेस को नहीं देखेगा, अब सिर्फ गेट लाइन जो देख रहा है वो देख रहा है जब तक न्यू लाइन नहीं मिल जाती तब तक इनपुट लेते रहो। तब जब इसको एक बार इनपुट लेके चलते हैं और अब स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो पूरा पूरा दोनों वर्ड्स प्रिंट होने वाले हैं, अच्छे अगरवाल पूरा आ गया एसटीआर में। तो ये मेथड था गेट लाइन नाम का, जिससे हम पूरी की पूरी लाइन को इनपुट ले सकते हैं। अगर आप जावा से आ रहे हो
तो जावा में हम एक स्ट्रिंग को कैसे इनपुट लेते थे, अगर हम वर्ड को इनपुट लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट नाम से, और अगर हम एक बेसिकली यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनता है scn.next एंड यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट scn.next line नेक्स्ट लाइन से क्या होता था, पूरी पूरी लाइन इनपुट होती थी। नेक्स्ट से क्या होता था, सिर्फ एक वर्ड इनपुट होता था जब तक स्पेस ना मिल जाए या फिर न्यू लाइन ना मिल जाए। इसमें भी सिमिलर है, सीन ऑब्जेक्ट से इनपुट लोगे तो फिर सिर्फ वर्ड इनपुट होएगा, और गेट लाइन से इनपुट लोगे तो पूरी पूरी लाइन इनपुट होने वाली है, यानी सेंटेंस इनपुट होने वाला है। तो ये डिफरेंस है पहला। और चीजें क्या है, सबसे मेन बात, आखिरकार हम स्ट्रिंग यूज क्यों कर रहे हैं। स्ट्रिंग हम वैसे तो डेटा टाइप की तरह यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रिंग क्या है, सी प्लस प्लस में एक्चुअल में स्ट्रिंग एक क्लास है, और जो भी हम वेरिएबल्स बना रहे हैं स्ट्रिंग टाइप के, वो एक्चुअल में उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये एक्चुअल में क्लास है, सी प्लस प्लस में लिख रखी है, और इस क्लास का जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे वो एक्चुअल में इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। तो एसटीआर एक ऑब्जेक्ट है। तो अब क्लास है तो फिर क्लास के कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर फंक्शन होंगे। तो डेटा मेंबर क्या हो सकता है, हम आइडिया लगाएं तो डेटा मेंबर हो सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इंप्लीमेंट हुई होगी यूजिंग कैरेक्टर एरे। तो डेटा मेंबर क्या होगा, कैरेक्टर एरे। यानी जब हमने ये स्ट्रिंग क्लास को लिखा होगा, वहां पर हमने इन एच ई एल एल ओ या फिर अर्चित इनको कैसे स्टोर करा होगा, हमने स्टोर करा होगा एक कैरेक्टर एरे बनाकर, कैरेक्टर एरे बनाकर एच ई एल एल और फिर ओ एंड देन नल टर्मिनेशन, हमने ये खुद से करा होगा कोड के अंदर। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब हम डायरेक्टली जो स्ट्रिंग क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो अब हमें ये कैरेक्टर एरे किस तरह काम कर रही है वो देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स बनाकर स्ट्रिंग्स पर काम कर सकते हैं। कुछ मेंबर फंक्शन भी होंगे, तो एक्चुअल में स्ट्रिंग यूज किस लिए आती है, मेंबर फंक्शन की वजह से। काफी सारे हमारे पास फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड होती है। मेंबर फंक्शन में क्या क्या होंगे, कुछ कुछ ऑपरेटर्स ओवरलोडेड हमें मिल रखे होंगे। क्या क्या ऑपरेटर्स होंगे, जैसे कंकैटिनेशन के लिए ऑपरेटर होगा हमारे पास प्लस, यानी दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है। एक स्ट्रिंग है str1 equals to अर्चित और दूसरी स्ट्रिंग है str2 equals to अग्रवाल। अब मेरे को इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करके एक स्ट्रिंग में बेसिकली ऐड करना है। तो एक str3 नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में मेरे को अर्चित और अग्रवाल को कंकैटिनेट करके स्टोर करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, str1 प्लस str2, दो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स पर प्लस ऑपरेटर लगा। तो प्लस ऑपरेटर क्या है, ओवरलोडेड ऑपरेटर है, जो काम क्या कर रहा है, बेसिकली दो स्ट्रिंग्स पर कंकैटिनेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये इस तरह की फंक्शनैलिटीज हमारे को स्ट्रिंग में दे रखी है। तो एक बार इसको चला के भी देख लेते हैं कि कंकैटिनेट होएगा कैसे। पहली स्ट्रिंग है दूसरी स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज दूसरे स्ट्रिंग में स्पेस से शुरू करता हूँ, और अब मैं तीसरे स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ जिसमें str और str2 कंकैटिनेट हो गए, शुरू हो गए। मैं str3 को प्रिंट करूँ, क्या प्रिंट होने वाला है, अर्चित स्पेस अग्रवाल प्रिंट हो गया। ये था कंकैटिनेशन ऑपरेशन या प्लस ऑपरेटर। और क्या क्या ऑपरेटर्स है हमारे पास, लेट्स सपोज हमें दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, str को और str2 को कंपेयर करना है। अगर और कंपेयर किस बेसिस पर, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के बेसिस पर। तो archit और aggarwal में जो छोटी स्ट्रिंग होने वाली है, दैट इज ag, वो हमारे को प्रिंट होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर str छोटा है str2 से तो प्रिंट कर दो str, वरना अगर str बड़ा है str2 से, यानी str2 छोटा है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, वरना अगर दोनों बराबर हैं, जो कि वैसे तो हो ही जाएगा, लेकिन लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ else if str double equals to str2, तो प्रिंट करेंगे वो स्ट्रिंग्स आर इक्वल। तो अभी वाले केस में जो हमारा str2 है, अगर मैं स्पेस हटा देता हूँ, तो str2 जो है वो छोटा है क्योंकि
जो जी है, जी कैरेक्टर, पहले तो ए तो मैच कर रहे हैं, अब आर जो है वो जी से बड़ा है, तो जी छोटा आने वाला है, यानी एस टी आर टू छोटे आने वाली है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, तो यहाँ पे प्रिंट होने वाला है अग्रवाल, देख लेते हैं एक बार। अग्रवाल प्रिंट हो गया, लेट सपोज यहाँ पर एक कुछ और नाम लिख देते हैं, लेट सपोज बंसल लिख देते हैं, अब क्या छोटी हो जाएगी, अब एस टी आर वन छोटी हो जाएगी, अब अर्चित प्रिंट होने वाला है। लेट सपोज मैं दोनों स्ट्रिंग्स को बराबर कर देता हूँ, और बराबर करने के लिए जो कैपिटल में है वो कैपिटल में आना चाहिए, यानी एस टी आर वन में अगर ए कैपिटल आ रहा है तो एस टी आर टू में भी ए कैपिटल आना चाहिए, तभी दोनों स्ट्रिंग्स बराबर होंगी। अब प्रिंट करेंगे तो दो स्ट्रिंग्स आर इक्वल प्रिंट होने वाले। तो ये सिंपल से तीन ऑपरेशन से, कौन कौन से, लेस देन ऑपरेटर जो कि क्या बताएगा, क्या पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, फिर दूसरा ग्रेटर देन ऑपरेटर, क्या पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी है, एंड देन डबल इक्वल टू, उससे क्या पता चलेगा, क्या पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग बराबर है। तीन ऑपरेटर्स जो ओवरलोडेड थे, ये तीन ऑपरेटर्स ओवरलोडेड थे, हमने उनका यूज करना सीख लिया। हम कई जगह पर डायरेक्टली इन तीन ऑपरेटर्स का यूज करके अपने काम को ईजी बना सकते हैं। अब क्या इनपुट हमने देख लिया, हमने ये देख लिया कि स्ट्रिंग एक क्लास है और जो भी उसके वेरिएबल बनते हैं वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स हैं, और क्योंकि क्लास है तो डेटा मेंबर्स होंगे, डेटा मेंबर मेनली क्या है, मेनली डेटा मेंबर है कैरेक्टर एरे, और मेंबर फंक्शन होंगे कुछ कुछ। तो एक मेंबर फंक्शन क्या बन सकता है, एक मेंबर फंक्शन है सब स्ट्रिंग। बेसिकली अगर एक स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग निकालनी हो तो वो एक मेंबर फंक्शन बन सकता है, और भी कई सारे मेंबर फंक्शन होते हैं, उनको बाद में धीरे धीरे देख लेंगे, अभी मेन पहले इस पर फोकस रखते हैं कि एक स्ट्रिंग पर रैंडम एक्सेस करना हो, जैसे एक कैरेक्टर एरे होती है, एक कैरेक्टर एरे या कोई भी इंटीजर एरे भी ले लो, एक इंटीजर एरे है और मेरे को सेकंड इंडेक्स पर एलिमेंट चाहिए, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एरे ऑफ टू, और जो एलिमेंट है वो मुझे मिल जाएगा। इसको अपडेट भी करना होता था तो फिर एरे ऑफ टू को अगर लेट्स सपोज 60 कर दिया तो यहाँ से अपडेट होके 60 हो जाता था। सिमिलर काम हम स्ट्रिंग्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग्स है क्या, स्ट्रिंग्स है एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो फिर अगर एक स्ट्रिंग बनाई मैंने, उसमें लिख दिया हेलो, अब मैं चाहता हूँ जो सेकंड वाला एल है, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स वाला एल है, वो क्या चेंज हो जाए, वो डी में चेंज हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, जो भी स्ट्रिंग का नाम होगा, यहाँ पे एस टी आर था, तो एस टी आर ऑफ थर्ड इंडेक्स वाला कैरेक्टर चेंज हो जाए डी में, तो इससे क्या हो जाएगा, एच ई एल डी वो बन जाएगा, देख भी लेते हैं एक बार। डायरेक्टली रैंडम एक्सेस कर सकते हैं हम स्ट्रिंग में, और किसी भी कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग के अपडेट भी कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग है तो उसके मैं थर्ड इंडेक्स वाले कैरेक्टर को डी बना रहा हूँ, और कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में आएगा, स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में आएगी, मेन फर्क याद रखना है हमें, कैरेक्टर सिंगल कोट्स, कैरेक्टर मतलब सिर्फ एक एस का ही वैल्यू, स्ट्रिंग मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब मैं प्रिंट करूँ एस टी आर को, तो अब एच ई एल डी को प्रिंट होने वाला है, ठीक है, तो रैंडम एक्सेस भी कर लिया। अब मेरे को लेट सपोज इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी होती, तो हमारे पास दो फंक्शन है इस बार, एक फंक्शन है एस टी आर डॉट लेंथ नाम का फंक्शन, दूसरा फंक्शन है एस टी आर डॉट साइज नाम का फंक्शन, कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों का वर्ड एकदम सिमिलर है, दोनों से 5 5 प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली जो पांच कैरेक्टर्स हैं इसमें नल को इंक्लूड नहीं करते तो 5 5 प्रिंट हो गया। सिंपल से दो मेथड्स किसी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए, किसी स्ट्रिंग का रैंडम एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली हम एस टी आर ऑफ जो भी इंडेक्स एक्सेस करना है उसको लिख सकते हैं, तो हम एरे जैसा काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। और ये सारे ऑपरेशन, रैंडम एक्सेस करना और किसी कैरेक्टर को अपडेट करना, और साथ के साथ अभी जो हमने फंक्शन देखा था, वो सारे कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है। साइज मेथड निकालना भी कॉन्स्टेंट था। अब कुछ और मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो स्ट्रिंग की क्लास के अंदर नहीं लिखे लेकिन वैसे हमारे को काफी यूज आते हैं, एक स्ट्रिंग है उसमें मेरे को एक नंबर शोर हो रखा है, लेट्स सपोज कुछ भी रैंडम सा नंबर है,
मेरे को इस नंबर को एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है, एक इंट आंसर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक मेथड है टू स्ट्रिंग नाम का, सॉरी STOI, स्ट्रिंग टू इंटीजर नाम का। वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग पास करूंगा एंड मैं आंसर को प्रिंट करूंगा, तो जो स्ट्रिंग है ना वो स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 23525 प्रिंट होने वाला है इंटीजर में। ये जो प्रिंट हुआ है ये इंटीजर में प्रिंट हुआ है, यानी अगर मैं इस इंटीजर में 10 ऐड करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। तो यहां पे 10 ऐड होएगा तो 23535 बन जाएगा। और उल्टा करना हो इसका, यानी एक इंटीजर हो उसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हो, अगर कोई इंटीजर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो मेथड है टू स्ट्रिंग नाम का। एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और उस इंटीजर को पास कर दो टू स्ट्रिंग नाम के मेथड में। अब मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाऊं या फिर आंसर को प्रिंट करवाऊं, दोनों से ये 115 प्रिंट होने वाला। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है STR, तो स्ट्रिंग में हम कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। लेट सपोज हमें सेकेंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को बनाना होता 7, क्या बन जाता, सेकेंड इंडेक्स यानी ये वाला एलिमेंट स्ट्रिंग में 7 बन जाता। तो स्ट्रिंग में प्रिंट करते तो प्रिंट होता 117 1351। तो हम स्ट्रिंग को इंटीजर में, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग सिंपल दीज मेथड्स, टू स्ट्रिंग नाम के और STOI, स्ट्रिंग टू इंटीजर नाम के। अब कुछ और मेथड्स भी देख लेते हैं। लेट सपोज एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता, एक स्ट्रिंग दे रखी है HELLO, इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए भी हमारे पास एक मेथड है। वो मेथड क्या है, वो है रिवर्स में पास कर दो स्टार्टिंग इटरेटर और एंडिंग इटरेटर, यानी str.begin और str.end, ये पास कर दो। अब स्ट्रिंग को प्रिंट करवाओगे, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं। इटरेटर अगर आपको नहीं आते तो आपको str पहले सीखनी पड़ेगी। एक स्ट्रिंग है str equals to hello, मैं हेलो को रिवर्स करने के बाद प्रिंट करवाऊंगा तो प्रिंट होने वाला है रिवर्स में ELLO, पीछे से रीड करोगे तो ऐसे प्रिंट होने वाला है। तो रिवर्स नाम का मेथड भी हमारे पास अवेलेबल है, उसमें स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इटरेटर और स्ट्रिंग का एंडिंग इटरेटर, और एंडिंग जो होगा वो बेसिकली इंक्लूड नहीं होता रिवर्स में, मतलब स्टार्टिंग इटरेटर एच पर पड़ा होता है, एंडिंग इटरेटर जो इसकी लेंथ है उतने पर पड़ा होता है, यानी HELLO इसमें स्टार्टिंग इटरेटर 0th इंडेक्स पर पड़ा होगा और एंडिंग इटरेटर 5th इंडेक्स पर पड़ा होगा, जितने स्ट्रिंग की लेंथ है। और जब रिवर्स करोगे आप तो स्टार्टिंग से इंक्लूड करते हुए एंडिंग को इंक्लूड नहीं करना, उतने स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है। स्टार्टिंग str.begin, एंडिंग str.end, str.end 5th इंडेक्स पर होगा, str.begin 0th इंडेक्स पर होगा, ये इटरेटर्स है, ठीक है। तो इस तरह रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सबस्ट्रिंग नाम का मेथड भी देख लेते हैं। सबस्ट्रिंग क्या है, पहले तो एक स्ट्रिंग बनाते हैं str equals to hello नाम की। मेरे को क्या चाहिए, एक कॉन्टिन्यूस सेगमेंट चाहिए इस स्ट्रिंग का, लेट सपोज ELL चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, एक सबस्ट्रिंग नाम का मेथड है जो कि मेंबर फंक्शन है इस स्ट्रिंग क्लास का, तो मैं str.substring नाम का मेथड, substr ये मेथड कॉल करूंगा, उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स पास करूंगा जो कि होगा 1 स्टार्टिंग इंडेक्स, और मेरे को कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो 3 पास कर दूंगा, यानी पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा इंडेक्स से स्टार्ट करना है और दूसरा आर्ग्यूमेंट कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो ये मैं लिखूं और प्रिंट करूं तो ELL प्रिंट होने वाला है, ELL प्रिंट हो गया। तो ये सबस्ट्रिंग नाम का मेथड हमारे पास डेटा मेंबर जो स्ट्रिंग क्लास है उसका मेंबर फंक्शन हमारे को मिल रखा है। हमने सबस्ट्रिंग देख लिया, हमने रिवर्स देख लिया, हमने स्ट्रिंग टू इंटीजर और टू स्ट्रिंग देख लिया। एक बार सॉर्ट और देख लेते हैं, हमें इस स्ट्रिंग को सॉर्ट करना था। लेट सपोज कोई और रैंडम से स्ट्रिंग दे लेता हूं, इस स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, यानी पहले सारे ए आ जाए, फिर सारे बी आ जाए, फिर सारे सी आ जाए। तो हमारे पास एक मेथड है, वो मेथड है सॉर्ट।
मेथड है और बेसिकली उसमें पैरामीटर पास कर दो स्टार्टिंग इटरेटर और एंडिंग इटरेटर। एंड अब मैं इस स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के बाद प्रिंट करूंगा, तो क्या प्रिंट होने वाला है, सॉर्टेड ऑर्डर में ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो गई, पहले ए आ गया, फिर ई, फिर जी, एच 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 आई आई, यानी सॉर्टेड ऑर्डर में सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। तो ये कुछ मेथड्स भी देख लिए हमने जो इम्पोर्टेंट है, जो यूज आते रहते हैं स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग के ऑपरेशंस देख लिए, कुछ ऑपरेटर्स जो हम ओवरलोडेड हमें मिल रखे हैं, और रैंडम एक्सेस कैसे करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, स्ट्रिंग एक क्लास है ये देख ली, और डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अगर मान लो मैं इनिशियलाइज नहीं करता स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एसटीआर नाम की लिख देता हूँ, सिर्फ वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग एसटीआर, तो मैं स्ट्रिंग का साइज भी प्रिंट करूं और स्ट्रिंग को भी प्रिंट करूं, अलग अलग लाइन में प्रिंट कर लेते हैं, या पहले स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेते हैं फिर स्ट्रिंग का साइज प्रिंट कर लेते हैं। तो क्या प्रिंट होने वाला है अब, जो क्योंकि स्ट्रिंग जो क्लास है उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या दे रखा होगा कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर लो, और क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करोगे तो साइज आने वाला है जीरो, तो पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट होगी और फिर जीरो प्रिंट होने वाला है। पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई और एंडल लगा दिया हमने उसके बाद, एंड देन जीरो प्रिंट हो गया, यानी उस एम्प्टी स्ट्रिंग का साइज है जीरो। तो अगर इनिशियलाइज नहीं करते तो ऐसे लिखा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर एरेज में और स्ट्रिंग्स में डिफरेंसेस क्या थे, और कैसे किस किस केस में जो स्ट्रिंग्स है वो अच्छे यूज में आ सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है हमारे C++ कोडिंग। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा, अगर कुछ डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।